नमस्कार दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जो है एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है कि जिन भी छात्रों का यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है, या फिर जो है जिन भी छात्र का एप्लीकेशन जो है अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अभी तक उनका जो वेरिफिकेशन वहाँ पे प्रोसेस नहीं हुआ है, चाहे उनका यहाँ पे बैंक वेरिफिकेशन यहाँ पे पेंडिंग में पड़ा हुआ है, चाहे उनका इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे पेंडिंग में पड़ा हुआ है या फिर रिजेक्ट हो गया है, तो उन सभी का यहाँ पे जो आईडी पासवर्ड वहाँ पे मिलना शुरू हो चुका है। बहुत सारे छात्र मुझे कॉमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा जो आईडी पासवर्ड वहाँ पे मिलना शुरू हो चुका है। एक जो है हमारे सब्सक्राइबर ने हमें जो है आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करवाया है, साथ में जो है डिटेल उन्होंने प्रोवाइड करवाया है कि आप जो खुद से चेक कीजिए कि हमारा जो स्टेटस है वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वहाँ पे मिल चुका है। तो अब ऐसे में जो है वो सवाल कर रहे हैं कि सर हमारा जो यहाँ पे आईडी पासवर्ड आ चुका है लेकिन हमारा यहाँ पे जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो क्या हमको जो यहाँ पे आवेदन करना है, फॉर्म हमको यहाँ पे सबमिट करना है या फिर नहीं करना है, यानी कि अपना जो फॉर्म है उसको फाइनलाइज करना है या फिर नहीं करना है, इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। अब यहाँ पे जिनका भी रिजेक्ट हुआ है उसका एग्जैक्ट कारण क्या है, यानी कि किस कारण से आप लोग का जो आवेदन वहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, चाहे आप लोग का बैंक में यहाँ पे रिजेक्ट की दिखा रहा हो, चाहे आप लोग का यहाँ पे जो है इनकम सर्टिफिकेट में रिजेक्ट दिखा रहा हो, तो किस कारण से आप लोग का रिजेक्ट किया गया है वो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं वो मैं आप लोग वहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सब कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग का यूजर आईडी और पासवर्ड मिल चुका है तो अब आप लोग को क्या करना होगा, अगर आप लोग वहाँ पे वेरिफिकेशन पेंडिंग में पड़ा हुआ है या फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है तो आप लोग को क्या प्रोसेस यहाँ पे करना है, सब कुछ मैं आप लोग वहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एक जो छात्र ने जिनका यहाँ पे आप लोग का जो पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप का आईडी पासवर्ड आ चुका है लेकिन उनका जो स्टेटस है वो स्टेटस में क्या शो कर रहा है, मैं आप लोग को वो दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो स्टेटस चेक करना है, तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल में लिखना है YTDC। आप यहाँ पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में लिखना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर चले आना है, फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे जो बिहार पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप देखने को मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से आप लोग का जो पोस्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो वेबसाइट है वहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपको नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पे जो है आप लोगों को इंपोर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे जो इंपोर्टेंट लिंक्स का आप लोगों का ऑप्शन है, यहाँ पे जो है आप लोगों को बहुत सारे लिंक देखने को मिलता है, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस का आप लोगों का ऑप्शन है, क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन होगा। देखिए मैंने जो यहाँ पे स्टेटस चेक किया, स्टेटस चेक करने के बाद यहाँ पे जो ऊपर में आप लोगों का सारा डिटेल शो कर रहा है और नीचे देख पाऊंगे इनका जो डिटेल है वो आप लोग यहाँ पे शो कर रहा है कि क्या क्या यहाँ पे वेरीफाई है, क्या वेरीफाई नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इनका जो इनकम वेरिफिकेशन स्टेटस है इसमें आप लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो आप लोगों का पर्सनल डिटेल डन दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनका आईडी पासवर्ड मिला है, उसके उन्होंने अपना जो यहाँ पे पर्सनल डिटेल है उसको यहाँ पे अपडेट किया है, फॉर्म फिल करने का यहाँ पे जो कोशिश किया है, इसके कारण से इनका जो यहाँ पे आप लोगों का पर्सनल स्टेटस फोटो और ये सब जो है आप लोगों का वेरीफाई शो कर रहा है। बाकी यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो इनकम वेरिफिकेशन स्टेटस है वो आप लोगों का पेंडिंग शो कर रहा है, लेकिन इनको यूजर आईडी पासवर्ड मिल चुका है। मैं जो इनका लॉग इन करके आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे लॉग इन कर लिया, लॉग इन करने के बाद यहाँ पे जो कुछ इस तरीके से आप लोग पे शो कर रहा है। मैंने जो इनका ही आप लोगों को डिटेल दिखाया था जिसमें कि आप लोग पे वेरिफिकेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है लेकिन इनका जो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब इसको मैं आप लोगों को वेरीफाई करने के लिए बताता हूँ कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि मान लीजिए कि आप लोगों का कुछ रिजेक्ट हुआ है तो वो क्यों रिजेक्ट हुआ है, किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, मान लीजिए NPCI लिंक नहीं है या फिर बैंक अकाउंट गलत है, क्या आप लोगों का कारण है जिसके कारण से कि आप लोग पे रिजेक्ट हुआ है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सर्टिफिकेट एंड बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन डैशबोर्ड कहाँ पे जो है एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप लोग का यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो आप लोगों को ये काम करना है कि लॉग इन करके जो है सर्टिफिकेट एंड बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन डैशबोर्ड जो है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आप लोगों का स्टेटस है वो थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों पे शो करेगा, आप लोगों का पूरा दिखाएगा कि क्या आप लोगों का प्रॉब्लम है, क्यों आप लोगों पे रिजेक्ट हुआ है या फिर अभी जो है अप्रूव नहीं हुआ है। नीचे देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों का शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए कि इनका जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पे जो है सिर्फ पेंडिंग लिख रहा है, अगर इनका रिजेक्ट रहता तो यहाँ पे जो है फुल डिटेल में आप लोगों का शो कर देता है कि क्यों आप लोगों का रिजेक्ट किया गया है। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ पे चेक करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि बहुत सारे छात्रों का यहाँ पे जो है यूजर आईडी और पासवर्ड आ चुका है रिजेक्ट होने के बाद भी आ चुका है, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जिनका यहाँ पे वेरिफिकेशन अभी जो है पेंडिंग में यहाँ पे पड़ा हुआ है फिर भी यहाँ पे आईडी पासवर्ड आ चुका है, तो उनको क्या करना है। तो यहाँ पे जो है आप लोग को आवेदन बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे कि इन्होंने जो अपने यहाँ पे आवेदन करने का कोशिश किया है तो ऐसा आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है, अभी आप लोग वहाँ पे आवेदन नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ही आप लोग का जानकारी दिया गया कि आपके द्वारा अपलोड किए गए बैंक खाते, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही आप मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2022-23 के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जब आप लोग का सारा कुछ वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद ही आप लोग वहाँ पे आवेदन करना है। साथ में यहाँ पे बताया कि अपने व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण और जाति, आय के निवास प्रमाण पत्र को अपडेट करने के बाद कृपया सत्यापन प्रक्रिया होने
तक जो है प्रतीक्षा करें। तो इस तरीके से आपको वहां पर जानकारी दिया गया है कि अभी जो है बिल्कुल भी आप लोग को आवेदन नहीं करना है। आप लोग को आईडी पासवर्ड मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वहां पर जो आवेदन है वो आपको वहां पर करना है। हो सकता है कि आप लोग को आईडी पासवर्ड इस कारण से भी दिया गया होगा कि अगर आप लोग वहां पर रिजेक्ट होता है तो ऐसे में आप यहां पर सुधार कर सकते हैं, या फिर कोई अन्य कारण से आप लोग का जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आप लोग वहां पर दिया गया है, या फिर हो सकता है कि आप लोग का जो आवेदन है उसको वहां पर एक्सेप्ट कर दिया गया होगा, लेकिन यहां पर जो सिर्फ अभी आप लोग का पेंडिंग शो कर रहा है, कुछ दिन बाद यहां पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो है आप लोग का यूजर आईडी और पासवर्ड यहां पर दिया गया है। जब तक आप लोग का कंफर्म नहीं होता है कि आप लोग वहां पर जो वेरिफिकेशन जो स्टेटस है वो आप लोग वहां पर डन हो चुका है, तब तक आप लोग वहां पर आवेदन नहीं करना है। तो ये जो है आप लोग वहां पे ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जिनका यहां पे पेंडिंग है उनका भी यहां पे आप लोग का जो है यूजर आईडी और पासवर्ड मिल रहा है, जिनका यहां पे रिजेक्ट हुआ है उनका भी यूजर आईडी और पासवर्ड यहां पे मिल रहा है। तो आप लोग को आवेदन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे छात्र यहां पे पूछ रहे थे कि हमको यहां पे आवेदन करना है या फिर नहीं करना है, तो अभी जो है आप लोग को यह काम नहीं करना है। तो इस तरीके से आप लोग वहां पे अपडेट जारी किया गया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, मैंने आप लोग वहां पे पूरा जानकारी दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब के लिए धन्यवाद।